अचानक से मुझे अपने घर के सभी पौधे काटने पड़े जो मैंने एक साल से इनकी केयर करके इनको बड़ा किया था। अब ना जाने ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो सारे पौधे जल गए और मैं शॉक्ड हुआ। पहले मैं निकलता हूँ बाहर अपना एक काम निपटाने, मगर नीचे आके देखा सडनली टायर पंचर, और ये है हमारा क्यूट सा सब्सक्राइबर। अब पंचर लगवाने के लिए मैं दुकान ढूंढ रहा था जो कि मुझे नहीं मिल रही थी, तो फाइनली थोड़ी आगे चलता हूँ और पंचर वाले की दुकान मुझे मिल जाती है। और पंचर बड़ा क्रिटिकल था जो निकालने से भी नहीं निकल रहा था। इतना मोटा स्क्रू, क्या इसको मेरी ही गाड़ी मिली थी घुसने के लिए? चलो भैया ने अच्छे से पंचर लगा दिया, फिर अच्छे से चेक भी हो गया और कोई पंचर तो नहीं। चलो काम भी हो चुके हैं और घर निकलते हैं क्योंकि मुझे पौधों की टेंशन होती है। शुरुआत होती है यहाँ से, जब मेरा पैसों का पौधा बीच बीच में से खराब हो गया था तो मैं इसकी वही सब पत्ती काटने लगा। अब काटते काटते मुझे और पत्ते भी मुरझाए हुए दिखाई दिए, तो मैंने डिसाइड किया कि पूरी बेल उड़ा देते हैं क्योंकि देखा जाए ऑलमोस्ट पूरी बेल्स खराब हो चुकी थी। दोबारा केयर कर लेंगे, अब क्या करें। मगर ये खराब कैसे हुए, ये एक बड़ा सवाल जो मुझे दिन रात सताता रहा। और मेरा पौधा जो सब जगह फैला हुआ था वो काट के इतना सा हो गया। दरअसल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और इस हिस्से में धूप बहुत तेज आती है और साथ में एसी की हीटिंग भी पूरी पौधों पर जाती है, इवन ये वॉल भी गर्म हो जाती है। तो इसीलिए ये पैसों का पौधा हमें ठंडक देते देते ज्यादा गर्मी झेल नहीं पाया। अब कुछ टाइम बाद मैं इन सबको अपग्रेड करूंगा, पर मैंने बहुत दिल से केयर की थी इनकी, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ। टू सब्सक्राइब।